की उदयपुर हत्याकांड की तरह अमरावती में उमेश कोले के मर्डर की तफ्तीश लगातार जारी है टीम की ओर से। अब तक की जांच में दो अहम खुलासे हुए हैं। पहला ये कि हत्या के पीछे मुख्य मकसद भारत में अशांति फैलाने की कोशिश थी, और दूसरा ये कि एक ग्रुप ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में पाकिस्तान का भी हाथ है। दरअसल जांच एजेंसियों को कुछ वीडियोस मिले हैं, ये वीडियो पाकिस्तान और दूसरे देशों से अपलोड किए गए थे। और गौर करने वाली बात ये कि ये तमाम वीडियो नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद बनाए गए और अपलोड किए गए। तो जी लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या नफरत फैलाना मकसद है, क्योंकि एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। कोले के मर्डर की तफ्तीश लगातार जारी है और तफ्तीश में बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। एक हत्याकांड निशाने पर पूरा हिंदुस्तान, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक हत्याकांड निशाने पर पूरा हिंदुस्तान। देश को अशांत करने की किसकी साजिश? नुपुर बहाना, देश में नफरत है फैलाना। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मचे विवाद को कोई अवसर के तौर पर देख रहा था, कोई देश की अखंडता को तोड़ने की साजिशों के लिए मौका ढूंढ रहा था, और खून बहाकर कोई नफरत की फसल लहलहाने की ताक में था। अमरावती हो या उदयपुर, नफरत अचानक इतनी बड़ी कि एक ही शहर में रहने वाले लोग इतने खूंखार हो गए कि अपने ही जानने वालों की गला रेत कर हत्या कर दी। अमरावती हत्याकांड में तो मुख्य आरोपी मृतक उमेश कोल्हे को जानने वाला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर से यही उठ खड़ा होता है कि ऐसे विभत्स हत्याकांड के पीछे असली गुनहगार कौन है? अमरावती हत्याकांड में NIA की FIR में एक बड़ी साजिश का जिक्र किया गया है। FIR के मुताबिक उमेश प्रहलाद राव कोल्हे की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसे एक ग्रुप ने अंजाम दिया। ये ग्रुप देश में एक बड़े समुदाय के बीच डर फैलाना चाहता है। इस घटना के पीछे का उद्देश्य देश में धर्म के आधार पर अलगाव पैदा करना है, जो एक आतंकी कृत्य है। NIA की FIR देश में एक बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रही है, जिसमें एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल को खड़ा किया जा रहा है जो देश में अमरावती जैसा हत्याकांड अंजाम दे। इससे आम लोगों के बीच में डर का माहौल बने, लोग कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करें और कुल मिलाकर हालात प्रशासन के हाथ से बाहर निकल जाएं। NIA की नजरें इस बात पर भी हैं कि पकड़े गए आरोपियों और संदिग्धों का ISIS या किसी दूसरे आतंकी संगठन से संबंध तो नहीं है। आरोपियों को विदेश से फंडिंग तो नहीं की जा रही थी। अमरावती हत्याकांड के कथित मास्टरमाइंड इरफान शेख और दूसरे आरोपियों का पाकिस्तान से कोई संबंध तो नहीं है। तो वही जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ही वो देश है जो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान ही है जो मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान पाकिस्तान से बनाए गए कुछ वीडियो हाथ लगे हैं। इन वीडियोस में साफ नजर आता है कि कैसे पाकिस्तान भारत को अशांत करने की साजिश रच रहा है। गौर से देखिए ये वीडियो। तलवार हाथ में पकड़कर मैं मोदी को और इन तमाम बेगैरतों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से राज्यपाल निकलेंगे ये तुम्हारी बदकिस्मती है, तो याद रखो तुम्हें इल्म दीन जरूर मिलेंगे। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से कई भड़काऊ भाषण दिए गए और इन भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। इन तमाम वीडियोस की जांच अब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और इनमें महाराष्ट्र साइबर सेल उन्हें मदद कर रही है। रोजाना तकरीबन ऐसे 50 हैंडल्स पर साइबर सेल की टीम एक्शन ले रही है। किसी भी कंट्री से या किसी भी रीजन से ऐसा प्रोवोकेटिव पोस्ट किए जा सकते हैं। कुछ आउटसाइड कंट्रीज से पोस्ट हमारे नजर में आए थे, बट दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। 50 से 60 ऐसे पोस्ट को, ऐसे हैंडल्स को हम पर डे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें हम टू प्रॉन्ग्ड एक्शन ले रहे हैं। या तो FIR रजिस्टर कर रहे हैं या फिर
उनको डिलीट या टेक डाउन की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ऐसे कंटेंट अपलोड करने के लिए पाकिस्तान से दूसरे देशों की सहायता भी ली जा रही है ताकि वो वहां की आईपी एड्रेस से अपलोड हो। तो इसकी जांच आगे बढ़ाने के साथ सुरक्षा एजेंसियां मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं और प्रतिष्ठित लोगों से भी बातचीत कर रही है। मुंबई के कई मौलानाओं का कहना है कि ऐसे भड़काऊ भाषण से भारत के युवकों को गलत संदेश जा रहा है और आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। पाकिस्तान में शुरू से ऐसे दहशतगर्द आलिम रहे हैं, मौलवी मुल्ला रहे हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया का चैन खराब करके रखा हुआ है। वो अपना बयान देते हैं और पूरी दुनिया का माहौल खराब करते हैं। ऐसा वहां पर उनको कुछ होता इसलिए नहीं है कि उनके मानने वाले लोग हैं, उनकी मेजोरिटी के लोग हैं, उनकी सोच के लोग हैं, मगर हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, एक अमन पसंद मुसलमान है, आज वो जवान लोगों को भड़का रहे हैं, सर तन से जुदा करने की जो बातें कर रहे हैं, ये बातों का असल में सच अगर देखा जाए तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कोशिश हो रही है कि युवाओं को बरगलाने का पाकिस्तान का मिशन कामयाब ना हो सके, लेकिन पाकिस्तान लगातार सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं का ब्रेन वॉश करने में जुटा है। पाकिस्तान दहशत का साथ छोड़ने को राजी नहीं है, लिहाजा इसकी उसे मुकम्मल सजा भी मिलनी चाहिए और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि किस तरह ये मुल्क धार्मिक उन्माद का एपी सेंटर बन चुका है। मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए आज दुनिया हैरान है।